हेलो दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियोस डालने की वापस शुरू करने का सोच रहा था। पहले वीडियो डाला करता था लेकिन बीच मैंने बंद कर दिया था। लेकिन काफ़ी समय से सोच रहा था कि फिर से वीडियो डालना शुरू करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहां से किस टॉपिक को लेकर शुरू किया जाए। तो अब क्योंकि नया साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2024 है, और आज ही के दिन मुझे एक ग्रुप है गीता क्वेस्ट, उनकी तरफ से आज ही के दिन मुझे सुबह एक गिफ्ट मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना नए साल की शुरुआत इसी बॉक्स की अनपैकिंग के द्वारा की जाए। तो गीता क्वेस्ट वैसे एक ग्रुप है जो कि काफ़ी अच्छी उनकी पहल है। उनका ये काम है कि ऑनलाइन वो श्रीमद् भगवद गीता की स्टडी कराते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। इस तरीके से नहीं होगी कि आप बोर हो जाएंगे या कुछ भी, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम इजी तरीके से आपको समझा के विद एग्जांपल्स श्लोका भी बताए जाते हैं, उसको नॉर्मल लाइफ में कैसे उसका मीनिंग है वो आपको बताया जाता है। तो उसके लिए है पूरा ग्रुप। तो जो मुझे गिफ्ट मिला है उसकी अनपैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि बॉक्स मैंने खोल दिया लेकिन उसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स है जो मुझे मिला था, आज सुबह ही मिला है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, और ये आया है सीधा कुरुक्षेत्र में मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ से मेरे पास। ये उनकी तरफ से लेटर है इसके अंदर। और इस बॉक्स में जो चीज़ें मेरे लिए आई हैं वो हैं, पहले इसको देखते हैं। इसमें जो कुरुक्षेत्र में जो इनका मंदिर है उसके बारे में ये सारी आई थिंक डिटेल्स हैं। हाँ जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो पूरी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं मंदिर के बारे में। यहाँ पे तस्वीरें हैं, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर है वहाँ पे, कर्णवत स्थल भी है, गीता जन्मास्थान जहाँ की गीता भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बोली थी, भीम दुर्योधन युद्ध स्थल यहाँ पे, कि भीम और दुर्योधन का युद्ध हुआ था। और ये अलग अलग सर्विसेज इन्होंने बता रखी हैं कि किस तरह से ये इसका धर्म प्रचार कर रहे हैं। एक बुकलेट है। इसके अलावा मुझे मिला है महाप्रसादम, मंदिर से मिला है, कुरुक्षेत्र मंदिर की ओर से ही है महाप्रसादम। कुकीज़ हैं इसके अंदर, वाह। तो एक बार खोल के भी देख लेते हैं। ओके, तो ये कुकीज़ हैं इसके अंदर। इसके अलावा मुझे मिला है ये है गीता महायज्ञ अवशेष। ओके, कुछ समय पहले एक गीता महायज्ञ हुआ था कुरुक्षेत्र में ही, तो वहाँ की ये विभूति है अवशेष, जो यज्ञ के अवशेष होते हैं वो हैं। इसके अलावा मुझे मिला है श्री भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर। ये एक मिनी श्रीमद् भगवद गीता मिली है जिसमें सारे श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। और लास्ट में, अच्छा लास्ट में एक ये अलग से पोएम कह लीजिए, प्रार्थना कह लीजिए, गजल गीता है, तो ये भी पूरे इन्होंने अंत में दे रखी है। बहुत छोटी सी है जिसे अपने साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। और एक ये है पोटली, पोटली में क्या है देखते हैं। ये पोटली में अब मैंने खोली है और देखें इसमें क्या है। एक तो है ये होली डस्ट फ्रॉम बर्थ प्लेस ऑफ गीता। अच्छा, कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण ने जो गीता उपदेश दिए थे वहाँ की ये मिट्टी है। इसके अलावा इस पोटली में एक चीज़ और है, ये जल है पानी, और ये है ब्रह्मा सरोवर जल।
ओके, कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्मा सरोवर है वहाँ का ये पानी भेजा गया है। तो कुल मिला के ये 1, 2, 3, 4 महाप्रसादम, 5 बुकलेट, 6, ये कुल 6 चीज़ें मुझे इस बार नए साल के पहले ही दिन उपहार के रूप में मिली है। श्रीमद् भागवत गीता भी है साथ में, गीता क्वेस्ट जो ग्रुप है उसकी तरफ से धन्यवाद गीता क्वेस्ट, धन्यवाद इस्कॉन टेम्पल। हरे कृष्णा।